इस फिल्म के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं, जिनका किसी भी व्यक्ति या वस्तु से कोई संबंध नहीं है। फिल्म के निर्माता किसी भी तरीके से किसी इंसान या किसी समुदाय, स्थान, जाति, धर्म, संस्था या व्यवसाय से जुड़े लोगों को बुरी तरीके से पेश करना या उनका अपमान करने का इरादा नहीं रखते हैं। हम जाति भेद के सख्त खिलाफ हैं। हम तंबाकू, शराब या नशीले पदार्थों के सेवन का भी समर्थन नहीं करते हैं। क्या करता रहता है, जब देखो चम्मच घिसता रहता है। अच्छा है, काम में एंगेज रहता है, कम से कम नॉनसेंस तो क्रिएट नहीं करता है। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्ष्य मामृतात हर 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 महादेव। आप विराजे गंगा तट पे नजर रखे हो हर संकट पे, आप विराजे गंगा तट पे नजर रखे हो हर संकट पे, जटधारी लटधारी हर पग पग साथ में डोले। बम बम बोले बोले काशी, हर हर गंगे बोले काशी। बम बम बोले बोले काशी, हर हर गंगे बोले काशी। कीर दे जिद पे अगर आ जाए तो समंदर चीर दे। जय शंकर बोलो जमकर ना तीसरी आंख ये खोले। बम बम बोले बोले काशी, हर हर गंगे बोले काशी। ये होली है काशी की होली, ये होली है काशी की होली, ये होली है काशी की होली, ये होली है काशी की होली। जय शंकर जय भोले जय जटाधारी, तूने रची है ये दुनिया सारी। भूत परेतन की नाचे है टोली, जब खेली जाती है काशी में होली। लाल गुलाल में लाल गाल पे लाली सामल डालूंगा, परी है पिचकारी केसर के पानी से भिगा दूंगा। पान पीऊंगा खूब घोट कर सबको संग पिलाऊंगा, आज जो लेना छूटे जो वैसा रंग लगाऊंगा। ये होली है काशी की होली, ये होली है काशी की होली। थोड़ी मिला के मीठे रस
मौके से भांग पिला दी, मुझको मजा आ रहा है, ये कैसी मस्ती मिला दी। आया है झूम के फागुनवा, भिगोए चोली मेरा बलमवा, बहुत चर्बी चढ़ गया है कासी, हाथ काट देंगे एक दिन। लड़की को छेड़ने वाले छिछोरे, तुम का काटोगे हमारा हाथ, तुम और तुम्हारे दोस्त। चूड़ी पहन लो बबीना। बार बार हमें उंगली करना छोड़ोगे नहीं? अगली बार बास करेंगे, आइंदा किसी से बदतमीजी की ना तो महादेव की कसम जिंदा फूंक देंगे। आइए मैडम, आइए मैडम। फूकेंगे तो हम बेटा। क्या हो बे? नहीं नहीं कुछ नहीं। थैंक यू। अबे कितने रूखे आदमी हो बे, लड़की थैंक यू बोल रही है तो बोलना चाहिए ना। वेलकम। वेलकम नहीं, वेलकम। अरे जो भी होता है बोलना चाहिए था ना। अच्छा एक बात बताओ, हाँ? तुम्हारे ही दोस्त ऐसे अकड़ा रहता है क्या? ये बनारस है मैडम जी, यहाँ का कौवा भी मोर होता है। बलवंत पांडे जिंदाबाद, 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 बलवंत पांडे जिंदाबाद। करोड़पति हैं आजकल, राजनीति में हाथ अजमा रहे हैं, बलवंत पांडे नाम है इनका। मैडम जी आपको मालूम नहीं है नोटबंदी के टाइम 1500 का जाने कितना नोट गंगा जी में बहाया है। हमको तो लगता है कि मछली के पेट में हीरा रख के स्मगलिंग भी करता है। अरे का खुसुर पुसुर कर रहा है ससुरा। मैडम जी आप इसकी बातों पे ज्यादा यकीन मत कीजिएगा, फिल्में देख देख के इसके दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया है। काशी मैं नई खबर अखबार से हूँ, मैं अपने पेपर में तुम्हारे एक इंटरव्यू छापना चाहती हूँ। इंटरव्यू हमारे बारे में? काहे? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ही वो इंसान हो जो मुझे बनारस से रूबरू करा सकते हो। मैडम जी अभी इंटरव्यू का वक्त नहीं है, वो कहा कि घर पे बहुत काम चल रहा है, बहुत लेट हो रहा है, फिर कभी। okay. अरे राम प्यारी बिना झुके तुम मानोगी नहीं। अरे यार तुम्हारे पास कौन सा काम है, जाओ ना। चलो बैठो रंगीला। आओ ना रंगीला, बैठ जाओ अपना। मैडम जी मिलते हैं। अरे यार सुंदर यार बताओ यार इंटरव्यू लेगी, आते हैं। हाय काशी। अरे आप यहाँ? ए छूट के पकड़ जा रहा, आइए। अरे ओ छुटका, ठीक से मार बास, काम चोरी मत करना साले। कितना मुश्किल है ना तुम्हारा काम, एक इंसान को जलाना। इंसान नहीं मुर्दा, आत्मा के निकलने के बाद शरीर का कोई मतलब नहीं है। काशी मैं अपने आर्टिकल में तुम्हारे बारे में लिखना चाहती हूँ। हमारे बारे में कि एक डोम के बारे में? तुम्हारे बारे में। डोम तो यहाँ कई हैं, लेकिन काशी तो सिर्फ एक ही है ना। अच्छा तुम्हारे घर में कौन कौन है? आइए आइए ना, ये हमारे बाबूजी है। आज आने में इतना लेट काहे हो गया? नहीं आज काम ढेर आ गया था। अच्छा। अरे, आ गया तू बेटा। और ये हमारी माँ है, और रूका की घर की बनरिया। अंदर गंगा। ए गंगा। हाँ।
हाँ भैया। लो आ गई, ये हमारी बहन है गंगा। और ये देवीना मैडम है। अच्छा। लखनऊ से आई है, बड़ी पत्रकार है, अखबार में हमारे बनारस के बारे में छापेंगी। चाय लेंगी मैडम आप? अरे हम बनाते हैं ना भैया। रहने दो, तुम्हारे हाथ का चाय एक बार जो पी लेगा सीधे घाट पहुंच जाएगा। रहने दो काशी, चाय फिर कभी। ठीक है मैडम। वैसे काशी, तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं। घर नहीं मैडम, चिड़ियाघर है ये, और इस चिड़ियाघर की बनरिया ही गंगा। भैया काशी, क्या मैं तुम सबकी एक फोटो ले सकती हूँ? हाँ काहे नहीं। अरे रुको भाई, हमें जरा नया कुर्ता तो पहन लेने दो। अरे सुनो, वो नया कुर्ता लेके आओ ना। अरे पहने दो ना बाबूजी, क्या कुर्ता उड़ता। अरे तनी हम भी तो अपना बार बार झाड़ लेना। हाँ झाड़ रो बाल, जैसे बाल झाड़ने से सीरी देवी लगने लगोगी। चलो आ जाओ। अरे भगवान ने जैसे थोपड़ा दिया वैसे ही तो लगोगी ना। आओ जल्दी सब लोग, चलो आ जाओ गंगा, फोटो खींचते। सिनेमा नहीं बन रहा है यहाँ। काशी स्माइल। अच्छा काशी मैं चलती हूँ। अच्छा मैडम, तो तुम मुझे बनारस कब घुमा रहे हो? जवाब दे। तो ठीक है, कल सुबह 10 बजे घाट पे। ओके बाय। ए हीरो, अरे इधर उधर का देख रहे हो? तुम ही से कह रहे हैं। अरे हाँ भैया, आज तो सही में हीरो लग रहे हो। सच? हाँ। अरे मैडम को घुमाने जा रहे हो, इसमें इतना सजने की क्या जरूरत है? जब बोलिएगा कफन धोलिएगा, तेल चुपोर के तिलचट्टा बन जाए। अरे भाई, तो इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है? जाओ जाओ, मैडम इंतजार कर रही होगी बेटा, जाओ। ट्यूबलाइट की असफलता से निराश होकर अभिनेता सुहेल खान बिरयानी। अरे अखबार में कहाँ पढ़ रहे गुरु, आज का ब्रेकिंग न्यूज तो सामने से आ रहा है। कौन लौंडा? अबे काशी, अरे रे 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 रे। जियो राजा। क्या बात है काशी भैया, आज तो पूरा ऊपर से नीचे तक चमक रहे हो। बनारस की सारी बिल्लियां एक तरफ और तुम साले 5 फीट 8 इंच के सब बिलार एक तरफ। कोई अच्छा काम करने निकलो तो रास्ता काटे ही देते। वैसे बात का है राजा, आज अचानक दिलीप कुमार से गोविंदा कैसे बन गए? कहीं जा रहे हो क्या? हम भी चलेंगे। अरे नहीं चलना, हमें जाना है। वाह दोस्त, डोंडिया के चक्कर में दोस्तों को भूल रहे हो। चले मारेंगे ऐसे ना, कान के नीचे टिप्पा खाकर गिरोगे। उतरो नीचे, चलो। नहीं उतरेंगे। अरे उतरो बे। माँ कसम नहीं उतरेंगे। अरे माँ का कसम खाए हैं, अगर हमारी माँ को कुछ हो गया तो हमारे बाबूजी को कौन सा मुंह दिखाओगे? डायलॉग मत मारो साले, मनुज कहीं के। चलो और तुम लोग भी लदाओगे का? हां तो जाएंगे नहीं। यार एक एक पान खाया जाए फिर चला जाए, दूठो पान तो लगवाओ। यार हम तो माँ कसम खा लिए, स्कूटर्स कैसे उतरेंगे? एक हुर्रा मारेंगे ना सही हो जाओगे नौटंकी साले। लब से जाओ, बन से आओ जाओ। यार वो अपना जर्दा वाला रहेगा कि सादा रहेगा? अरे आज स्पेशल दिन है, किमाम वाला लगवाओ है? और ये हमको दे दे। ले लो, लगाओ भाई, एक नवरत्न किमामी पान, समझे? इलायची मार के तुलसी डबल जीरो। का बात है रंगीला भैया, आजकल भोकाल टाइट है। हमारा लाटरी लगा है, चुपचाप पान लगाओ, ज्यादा दरोगा ना बनो। लो भाई। अबे साले, पान हम लगवा रहे थे, चूना ये लगा गया। तुम हो मनहूर बानर। हेलो मैडम। ओह माय गॉड काशी, लुकिंग टू कूल। थैंक यू मैडम। प्लीज मुझे मैडम मत कहा करो, अब मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, मुझे देवीना कह सकते हो। ओके मैडम, मतलब ओके देवीना। दैट्स बेटर। तो कहाँ से शुरू करें? बनारस में हर नए काम की शुरुआत हम यहाँ गंगा घाट से ही करते हैं। ओह शिट, मेरी साड़ी खराब हो गई और तुम हंस रहे हो, अब मैं क्या करूं? अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है, सबकी गंदगी गंगा मैया धो देती है, तो ये तो बस कबूतर का बीट है, सामने गंगा है, धो लीजिए। सीढ़ी संभाल के मैडम, सॉरी देवीना।
एक चुटकी रोजाना तुम हंसी दे जाना, मुट्ठी भर कुछ सांसें पास में रख जाना, बिन शर्त जो बांधे हमको वो रिश्ता तुम ले आना, वो रिश्ता तुम ले आना, वो रिश्ता तुम ले आना, वो रिश्ता तुम ले आना। जिस दिन तू कुछ ख्वाब ना भेजो, नींद मेरी चिढ़ जाती है, जब भी तू सांसें भेजते हो उम्र मेरी बढ़ जाती है, तुम तक जो पहुंचा दे मुझको। वो रास्ता तुम ले आना, वो रिश्ता तुम ले आना, वो रिश्ता तुम ले आना, वो रिश्ता तुम ले आना। जल्दी गुजर जाता है नकाशी, कल तक तो हम अनजान थे और आज काशी में सिर्फ काशी अपना है। क्या हुआ, चुप क्यों हो? नहीं कुछ नहीं, बस आज रात मेरे साथ डिनर करोगे? फिर कभी नहीं यार, चलो रहने दीजिए ना, वो घर पे माँ बाबा सब इंतजार कर रहे होंगे। फिर कभी मैं डिनर के लिए बुलाऊंगी ही नहीं। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। आओ। जब रुकने का इतना ही मन था तो लंद्रानी काहे बतिया रहे थे? ही कहा? तुम्हारी तरह बोलना सीख रही हूँ। ये तो बढ़िया है। वाइन पियोगे? संतरा है। वो सब तो नहीं है। पिए नहीं है कभी,
ज्यादा नशा तो नहीं होगा ना? कम आएगा, धीरे धीरे आएगा। आज पीकर तो देखो। चीयर्स। एक ठो बात बोले। हाँ बोलो। लड़कियां दारू पीते कुछ ठीक नहीं लगती। अब क्या करूं, मेरी तन्हाई का साथ ही यही तो है। परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं, डैड और भाई बचपन में ही गुजर गए। एक माँ थी जो कुछ महीनों पहले चल बसी। अकेली रह गई मैं। अब तुम अकेली नहीं रही, हमें ना दोस्त तुम्हारे। जीने के लिए एक दोस्त की नहीं, एक हम सफर की जरूरत होती है। मेरे हम सफर बनोगी तो बोलो। हम हाँ। मजाक कर रही थी पागल। हम तो डर ही गए थे। अच्छा एक बात बताओ, तुम कभी स्कूल नहीं गए? नहीं, बाबूजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि दो बच्चों को एक साथ पढ़ाए। एक ही पढ़ सकता था, गंगा को भेज दिया स्कूल। वैसे भी हमें पुरखों का धंधा आगे बढ़ाना था। बहुत प्यार करते हो गंगा से। जान बसती है गंगा में हमारी। अरे बातों बातों में कहीं खाना जल ना जाए, मैं बस अभी आई। एक मिनट। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, मैंने गर्म ओवन के अंदर हाथ डाल दिया। पर मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे। वैसे आज सवेरे सवेरे इधर कैसे? इधर से गुजर रही थी तो सोचा मिलती चलूं। देख लिया लड़की से कैसा मीठा मीठा बतिया रहा है, और जब हमसे बोलता है तो आग उगलता है। गिरगिट कहीं का। मेहमान के सामने कोई ऐसा बोलता है का? तनिको सहूर नहीं है। इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, बुढ़ापे में सटिया गए। कोई बात नहीं, एक्चुअली मैं गंगा के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। ओ अच्छा, गंगा
ए गंगा आई भैया। अरे बाल्टी से टकरा के। वैसे देवी ना इसकी क्या जरूरत है? अरे, अरे मेरे लिए गिफ्ट आया तो आप जलिए मत। एक मिनट जरा। हेलो भैया ये तो बहुत अच्छा है, आज तो हम इसको ही कॉलेज पहन के जाएंगे। काशी मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मैं निकलती हूँ। ठीक है पहनोगी? हाँ। ठीक से व्यवहार करना हमसे, नहीं तो देंगे नहीं, जला देंगे वहाँ पे। क्या खिंचते हो बबीना भाई, क्या तान है, एकदम दिल गदगदा जाता है। आए गजब। सीना में जान होना चाहिए बेटा ऐसा तान के लिए। ये बात तो है भाई। ले पप्पू। चाहे महाकाल के राजा दम लगानी है तो आजा, वरना वहीं बैठे बैठे पाजा बोल। दम मारे टोला फटे टोला। खींच लूला खींच, कतनों भी दम लाके खींचेगा ना, लेकिन बबीना ऐसा आग नहीं लगा पाएगा। आओ देख, आओ देख। साला दिन भर लाश फूकत और कमावत है 500 रुपया। हाँ। अरे इसे ज्यादा हम 10 पुड़िया बेच के कमा लेते और गलती से कटवा बेच दिए तो और भी ज्यादा। कुल मिला के झंड बाद जिंदगी सरोवर के। तो देखा राम पैरिया को ऐसे नहला रहा है जैसे ओकर मेहरारू हो। एक जिंदगी में यही राम प्यारी नहीं, एक और प्यारी भी है। कह रहे? अरे वो पत्रकार मैडम्मा दिन रात घूमते रहता है उसके साथ, ऐसे चाहे जो भी कह ले बबीना भाई, तुमको मात देने में एक्सपर्ट है साला। इके जब हम मात देब ना, इके ना जीते बनी ना मरते, बिन पानी मछली जैसन छटपटाएगा ससुरा। रंगीला, रंगीला, तुमने काशी को कहीं देखा? काशी को तुम रोज देखते हैं। अभी देखा है क्या? अभी तो नहीं देखे, कहीं घाट वाट पे होगा। अरे क्या हुआ, कुछ देखने का? चुम्बन चाचा का चाय बनाया। काशी कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें और तुम यहाँ बैठे हो। क्या हुआ और तुम इतनी घबराई हुई काहे हो? अभी तुम्हारे घर से आ रही हूँ, गंगा अभी तक कॉलेज से घर नहीं लौटी है। का इतना लेट तो कभी नहीं करती। चल। कहाँ हुआ बेटा काशी? कुछ नहीं चाचा। कहाँ जा रहे हो? आते हैं अभी। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। लेकिन उसके पास तो मोबाइल फोन था ही नहीं। हाँ लेकिन माँ बाबा ने तुमसे ये बात छुपाई थी। देख के बाबूजी आई नहीं है गंगा? नहीं बेटा, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ रह गए। ए माँ कुछ कह के नहीं गई थी का? नहीं बेटा, हमसे तो कुछ नहीं कह के गई है। और उसके पास मोबाइल फोन है, हमें बताया नहीं आप लोग ने? हमसे आप लोग झूठ भी बोलते हैं, अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया ना तो आप लोग जिम्मेदार होंगे इसके। चलो ना उसके कॉलेज में पता करते हैं। चलिए कमाल है आप लोग, आते अभी। बम 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 शिव शंकर बम 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 भोले बम 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 शिव शंकर बम 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 भोले। अरे अरे रुकिए रुकिए, कहाँ ननाते चले जा रहे हैं? गंगा को ढूंढ रहे हैं हम। भाई साहब ये काशी है, यहाँ हर तरफ गंगा है। अरे वो गंगा नहीं, हमारी बहन गंगा इसी कॉलेज में पढ़ती है, वो सुबह से घर नहीं लौटी तो। भाई साहब कॉलेज 4 बजे बंद हो चुका है,
और अभी रात का 10 बज रहा है। देखिए हो सकता है गंगा गलती से अंदर ही लॉक हो गई हो। मैडम कहाँ से गलती से लॉक हो जाएंगी। चलिए चलिए आप लोग, चलिए चलिए भाई, एक बार चेक करते हैं भैया प्लीज। वाह आप लोग शरीफ दिखते हैं इसलिए इसको रख ले रहे हैं, लेकिन किसी से कहिएगा नहीं, नहीं तो हमारा नौकरी चला जाएगा। आइए नहाते हैं। चलिए आइए आइए। अरे ये लाइट कैसे जला हुआ, इसको तो हम ही ऑफ किए थे। आइए तो देखते हैं। अरे वॉचमैन तुम? राम राम प्रोफेसर साहब। छी मैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ भी किया सब इस लड़की ने किया। गंगा चलिए महाराज निकलिए। क्या बात है साहब? हमारी बहन कॉलेज गई थी, घर नहीं लौटी, रात बहुत हो गई, पता नहीं कहाँ रह गई। आजकल की लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, गई को अपने किसी दोस्त से मजे करने। साहब ऐसा बोलेंगे तो ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा? क्या बात है श्याम सुंदर, क्या हुआ? साहब देखिए जरा इनका क्या बोल रहे हैं। हटो जरा हटो, हम देखते। क्या ठीक नहीं होगा? बैठ। अरे बैठ। नाम क्या है तुम्हारा? काशी। पूरा नाम? काशी चौधरी। मारेंगे सर पे, हगोगे जाके घर पे, बहुत ज्यादा चर्बी आ गई का तुमको बकलोल? देखिए इंस्पेक्टर, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और आप किसी से इस तरह बात नहीं कर सकते, और ये आपकी ड्यूटी है कि आप सिटीजन्स की हेल्प करें। ये लो एक और काबिल, इनसे मिलिए। अरे मैडम अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो इतनी रात को इस डोम के साथ कौन सा अखबार छाप रही हैं? That's none of your business, Inspector. मैडम अंग्रेजी ए लीजिए पेपर और ए लीजिए पेन, लिख दीजिए अपनी कंप्लेन। सुनिए 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 मगर हिंदी में। जी कहिए। मैडम हमारी बहन कल कॉलेज आई थी, घर नहीं लौटी। किस डिपार्टमेंट में है? वो तो ठीक से पता नहीं। क्या नाम है उनका? गंगा चौधरी। ओके वन मिनट, काइंडली चेक द रिकॉर्ड्स। गंगा चौधरी नाम की लड़की किस डिपार्टमेंट में है? ओके पता नहीं, आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, दे आर रियली स्पॉइल्ड। आर यू श्योर? ओके देखिए अभी हमने आपके सामने रिकॉर्ड्स चेक करवाए, लेकिन गंगा चौधरी नाम की लड़की कोई भी हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ती है। How is that possible, madam? वो तो इसी कॉलेज में पढ़ती है। जी आप लोगों को जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ है, गंगा चौधरी तो दूर, गंगा नाम की कोई भी लड़की हमारे कॉलेज में एनरोल नहीं है। मैडम वो डेली घर से निकलकर कॉलेज ही आती थी। ये वो घर से निकलकर कॉलेज आती थी या कहाँ जाती है ये सोचना आप लोगों का काम है। क्या बोल रही है आप, बकवास कर रही है? ये कॉलेज में जरूर कोई गोरख धंधा चालू है, देखेंगे हम आपको। ऐसा कैसे हो सकता है, गंगा इसी कॉलेज में पढ़ती है। अरे कई बार तो हम खुद उसे यहाँ छोड़ के गए। कुछ तो गड़बड़ है, मैं इसका पता लगाती हूँ। एक बात बताओ, वो कॉलेज के अलावा कहीं और भी जाती थी? कुछ समझ नहीं आ रहा काशी, कोई तो है जो हमसे खेल खेल रहा है। कौन हो सकता है? क्या तुम्हारी किससे पुरानी दुश्मनी है?
अरे जल्दी से मरा जोगरा फेंक जल्दी। हाँ फेंका। हमरी बहन का है। हंस का रहे हो बे? का? का बोले हम समझे नहीं। तुम्हारी बहन? ए। गंगा का है? बेटा झक्की तो तुम पहले से ही थे। अब लगता है बकलोली का डिप्लोमा भी ले लियो। ज्यादा भागवत मत पाछो, सीधे सीधे बताओ। पता तो है हमें बेटा, लेकिन बताएंगे नहीं। जो भी उखाड़ना है ना उखाड़ लो। काशी की कसम छोड़ेंगे नहीं उसको हम। वो तो ठीक है, लेकिन कल अगर मैडम्मा आके तुमको नहीं बचाती ना तो पगला तुमको जिंदे जला देता। अरे कोई आदमी से लड़ सकता है, पागल से नहीं। ये बात भी ठीक है कहते हो यार, साला वो कब सनक जाता है पगला, समझ में नहीं आता है। वो देखो कौन आ रहा है। कहाँ? वहाँ। अरे मैडम्मा इधर कहाँ आ रही है? पता ना रे, तुम्हारी फटती कहाँ है इतनी? फटती नहीं है बे, कोई लड़की जब हमसे दूर जाती है तो नहीं फटती, पर अपने आप पे पास आती है तो फट जाती है। बबीना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। का? हमसे? हाँ तुमसे। क्या हुआ मैडम, काशी से मन भर गया जो आज बबीना की गली आई है? बकवास मत करो, क्या तुमसे 2 मिनट बात हो सकती है? हाँ चलिए। का बात हो गई? ये पाला चेंज। तुम साला हम लोग को दोस्त समझते नहीं हो। उतब मैडमुआ बताई है हम लोगों को सारा मैटर। यार देखो, हम जानते हैं मुश्किल का टाइम चल रहा है, पर ऐसा दिमाग खराब करने से कुछ नहीं होगा। यार देखो, जो बाबा लिख के भेजे हैं ना वही होगा। और कैसे हो गए हो तुम, शकल देखो अपना। काशी, तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। एक मिनट आते हैं। यार ये बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा। मैंने बबीना से बात की, वो उसे गंगा के बारे में कुछ नहीं पता। अरे वो झूठा है साला, बचपन से ही। लेकिन इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा, सच बोलने की कीमत ली है उसने। साला कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, हमें समझ भी नहीं आ रहा। काशी, मैं गंगा के कॉलेज गई थी, उसकी एक दोस्त है श्रुति, वो गंगा के बारे में कुछ जानती है। कल सुबह ही हमें उसे मिलने जाना है। हम यहाँ पहुँच गए हैं, कौन सा कमरा है? 6। ये? हाँ 6। आइए,
हमने आप दोनों को कॉलेज में देखा था, बस तब से ही आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम। आप मेरी बहन गंगा के दोस्त है ना? जी, गंगा हमारे साथ ही क्लास में है। देखा, हम कहते थे ना गंगा उसी कॉलेज में पढ़ती है। कहाँ गई है गंगा? वो तो हमें नहीं मालूम, बस इतना जानते हैं कि वो कुछ दिनों से बहुत अपसेट है। अपसेट क्यों? हमारी क्लास में एक लड़का है, अभिमन्यु। दूं चांद को इस तरह पालूं तेरे आसमान को, बादलों समय बन के हर जगह तुझसे ही मिलके, बेतहाशा तुझको ही चाहूं मैं, बेतहाशा तुझको ही चाहूँ मैं, पहले से थोड़ा ज्यादा तुझको ही चाहूँ मैं। तुम हंसो तो जान मुझको क्यों खुशी मिलती है, तुम जो रूठो यार मेरी आंखें भी रोती है। बेतहाशा तुझको ही चाहूँ मैं। समझ रही हूँ, 3300 लड़कियाँ घुमाता है, क्यों तुम उसके चक्कर में पड़ रही हो? प्यार व्यार कुछ नहीं करता वो तुमसे। देखो श्रुति, ये मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना बंद करो। हाँ, इसलिए तुम लिटरेचर में इतना मार्क्स लाती हो। हम जानते हैं अभिमन्यु हमसे बहुत प्यार करता है। बेतहाशा तुझको ही चाहूँ मैं, बेतहाशा तुझको ही चाहूँ मैं, पहले से थोड़ा ज्यादा तुझको ही चाहूँ मैं। कौन है वो लड़की? जी गंगा। समाज में नाक कटवाओगे हमरा? हैं, अगले साल इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं हम, कितनी बार समझा रहे हैं एक डोम लड़की के साथ उठना बैठना ठीक नहीं है, अपोजिशन इसका बड़ा इशू बना देगी, समझ में नहीं आ रहा है? पर पापा वो बहुत अच्छी लड़की है। इस उम्र में हर लड़की अच्छी लगती है। हम तुमको इंजॉय करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने बराबर वाली के साथ उठो बैठो इंजॉय करो। दोबारा गंगा से मिले तो अच्छा नहीं होगा, ना तुम्हारे लिए और ना उस गंगा के लिए। पर पापा एक बार चुप। बलवंत अंकल के मना करने के बावजूद भी गंगा और अभिमन्यु मिलते रहे। अरे क्या कर रहे हो, अभी हार्ट फेल हो जाता है। अरे चिंता काहे करती हो, अपने जीते जी मरने थोड़ी ना देंगे तुमको। अच्छा चलो फटाफट हमारे साथ कहीं घूम के आते हैं। अरे नहीं, अभी क्लास है हमारा। तो फिर चलो शर्मा सर के पास से नोट्स प्रिंट आउट लेकर आते हैं। अबे हट। अरे अरे ओ, क्लास कौन जाएगा? अगर लेट हुआ तो तू चली जाना। कभी डैफोडिल रेस्टोरेंट में, तो कभी किसी दोस्त के कमरे में, और कभी कभी तो अंकल के ही फार्म हाउस में। लेकिन एक दिन क्या हुआ? एक दिन
बोलो श्रुति। गंगा चाय क्यों नहीं पी रही हो? क्या हो गया? इतनी सीरियस क्यों हो आज? श्रुति वो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है यार। गड़बड़? क्या हो गया गंगा? वो हम प्रेग्नेंट हो गए हैं। व्हाट? आर यू श्योर? हाँ, हमने कई बार चेक किया, रिजल्ट हर बार एक ही आया। संभालो अपने आप को काशी। इतना कुछ हो रहा था, हम ना जाने कौन सी नींद में सो रहे थे। जान से मार देंगे उस लौंडे को। फिर क्या हुआ? हमें कुछ नहीं मालूम। हम उसके बाद से गंगा से नहीं मिले हैं। देवीना जी, बहुत देर हो रही है, अब हमें जाना होगा। ओके थैंक्स, अगर कोई जरूरत होगी तो आई विल गेट इन टच विद यू। महादेव की कसम, अगर गंगा को कुछ हो गया ना तो क्या बात है बे? गेटवा तूर देगा का? यहाँ काम करते हो? ना ना, घर के दामाद जो है शौक से वर्दी पहन के रखे हैं। घर पे कोई नहीं है क्या? है ना, सब कोई है, सब लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, इसलिए ताला लगा के रखे हैं। सीधे सीधे जवाब काहे नहीं देते हो बे? घर पे कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं। कहाँ? बड़े आदमी के बड़े चोचले हैं मैडम, हम गरीब आदमी को कहाँ पता। कब गए? एक हफ्ता हो गया। ठीक तो? हाँ, और तुम? हाँ, हम ठीक है। भागे साले, पता नहीं कौन थे। जरूर वो बलवंत के आदमी होंगे। एक बार हाथ तो आने दो, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे सालों का। चला बेटा, पता नहीं कहां चली गई हमारी बच्ची। रो मत, गंगा सगरों से ओझल हो जाएगी, लेकिन काशी से नहीं। हम खोज लाएंगे उसे। रास्ते हर कदम चलते ही रहे, राहों में दर्द सौ मिलते ही रहे। रास्ते हर कदम चलते ही रहे, राहों में दर्द सौ मिलते ही रहे। धुंधली धुंधली राहें हैं, धुंधली हर मंजिल, तुझे ढूंढ रहा दिल, 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 तुझे ढूंढ रहा दिल।
तुझे ढूंढ रहा दिल, तुझे ढूंढ रहा दिल, तुझे ढूंढ रहा दिल, तुझे ढूंढ रहा दिल, तुझे ढूंढ रहा दिल। शुक्रिया। कल रात तुम्हारे जाने के बाद मेरी श्रुति से बात हुई थी। उसने तुम्हें गुस्से में देखकर कई बातें छुपा ली थी। कैसी बात? काशी, दरअसल अभिमन्यु के पिता बलवंत कभी इस रिश्ते को नहीं स्वीकारते, इसलिए उन दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया था। शादी का फैसला? मैं ऑफिस के किसी काम से लखनऊ जा रही हूँ, देर रात तक ही लौटूंगी। तुम कोर्ट जाओ और पता करो, अगर ऐसा हुआ तो शायद हमें गंगा तक पहुंचने में आसानी होगी। ठीक है। सर, काम सर। कुछ जानकारी चाहिए था शादी के बारे में। आप लोग जाइए, कल आइएगा। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू। सर, शादी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए था। तुम्हारी उम्र तो ज्यादा लगती है, लड़की की उम्र कितनी है? जी 20 साल, हमारी बहन है गंगा। पता करना था कहीं उसने शादी तो नहीं कर लिया। चलो जाओ जाओ। सर, गायब है हमारी बहन कुछ दिनों से, बहुत जरूरी है सर। अरे गायब है तो हम क्या करें, हमने गायब किया है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमने देते हैं। चलो निकलो जाओ। देखिए, हमारी बहन गायब है, उसके लिए जान दे भी सकते तो किसी की जान ले भी सकते। सीधे सीधे बताते हो कि बखेड़ा खड़ा करें हम यहाँ? अरे नहीं बताते, निकलो। नाम क्या बताए? गंगा चौधरी। ये रहा गंगा चौधरी। 5 दिन पहले वो लोग शादी की अर्जी देने आए थे, लेकिन शादी भी नहीं हुई है। कहाँ भैया? अरे भैया दोबारा आ गए, कहाँ जा रहे हो? मालिक से मिलने जा रहे हो। देखो भैया, कुछ ऐसा गर्व मत कर देना, नहीं तो मेरी नौकरी चल जाएगी। देखो सब संभल। कौन है ये? साहब ये पागल है, कहता आपसे मिलना है। साहब, आपका बेटा हमारी बहन साथे पढ़ते हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सब काशी। देख भाई काशी, मेरे बेटे की रगों में गंगा का पानी नहीं, मेरा खून दौड़ता है। मेरा वो एक डोम की बहन से प्यार नहीं कर सकता। डोम इंसान नहीं होतेगा। जब तक हम 5 लकड़ी नहीं देंगे ना, तब तक आप जैसे को ना स्वर्ग नसीब होगा ना नरक। बड़ी जुबान चलती है तुम्हारी। देखिए साहब, हम आपसे यहाँ बहस करने नहीं आए। हमारी बहन कुछ दिनों से घर नहीं लौटी, उसने अभिमन्यु के साथ जाकर कोर्ट में शादी की अर्जी भी दी है। अभिमन्यु को जरूर पता होगा कि गंगा कहाँ है। हमारा बेटा छुट्टी मनाने मसूरी गया हुआ है, 1 हफ्ते में लौटेगा, उससे पूछ के बताएंगे कि माजरा क्या है। एक एक पल तिल तिल के मर रहे साहब, 1 हफ्ता इंतजार नहीं होगा, जवाब तो अभी दिन होगा। 4 लाख तुम्हारी सारी चालें समझ में आती हैं। तेरी बहन गई होगी अपने यार दोस्तों के साथ मजे करने, और उसका ठीकरा हमारे बेटे के सर फोड़ रहा है। ए बलवंत, बात बता, ठीस बन रहे हो? दुर्दा छील के रख देंगे तुम्हारा। ए चल हट, घाटे जा रहे, दो चिता तैयार रखते,
अगर गंगा का बाल भी बाका हुआ ना तो दोनों बाप बेटे का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करेंगे। ए चल चल। हेलो। हाँ हाँ बोल रहे। हाँ काशी, कुछ पता चला? शादी की अर्जी दी थी कोर्ट में, अभिमन्यु के साथ। हमें अभिमन्यु का पता करना होगा जल्द से जल्द। गए थे उसके घर, एकदम बेहुदा है उसका बाप, बदतमीजी में उतर आया। और अभिमन्यु? बोल रहे थे मसूरी गया है छुट्टी मनाने। काशी गंगा उसी के साथ होगी, हमें मसूरी चलना चाहिए। हाँ ठीक है। इतना भी ढील मत छोड़ कि मैं पूरी की पूरी बिगड़ जाऊं, तू आग सेकता रह जाए, मैं किसी और के साथ उड़ जाऊं, सही है ना? बोल ना। रात नशीली बात नशीली, आज तेरे साथ दो चार कश ले ली। रात नशीली बात नशीली, आज तेरे साथ दो चार कश ले ली। उड़ी उड़ी फिरती है बेबी क्लब में, फ्लोर पे गिरती है आके मेरे लब में। मैं हूँ पतंग तू है माझा 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 माझा। Oh yeah, she's tripping out. I know गलत है नशा लेकिन चढ़ने दे, थोड़ा मैं बिगड़ी थोड़ा और बिगड़ने दे। अकड़ मेरी झाड़ दी, खुद तो बिगड़ी थी मेरी दी आदत बिगाड़ दी। तू है पतंग मैं हूँ माझा 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 माझा। Oh yeah, she's tripping out. How can I help you? Actually, we are looking for our friend Abhimanyu. Abhimanyu Pandey. क्या बता सकते हैं वो उस होटल में रुके हुए हैं? Sorry, ma'am, मैं अपने customers की information ऐसे leak नहीं कर सकता। देखिए, मैं एक journalist हूँ और Abhimanyu हमारा दोस्त है। कल उसका birthday है और हम surprise देने आए हैं। Oh, surprise? Yeah. ma'am, अगर ऐसी बात है तो let me check the records. अभिमन्यु पांडे? यस। मैम वो यही ठहरे हैं, रूम नंबर 605। और उनके साथ एक मैडम भी है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले। थैंक यू।
जी गंगा का है। कौन गंगा? अरे कौन हो भाई? What is this nonsense? कहाँ है गंगा? अरे हम किसी गंगा बंगा को नहीं जानते। बता गंगा कहाँ है? अरे हम नहीं जानते किसी गंगा को। अरे क्या हो रहा है ये सब? धोखा दे रहा है मेरी बहन को। कैसा धोखा? जिंदगी और मौत के खेल से हमको डर नहीं लगता। फैसला तुमको करना है, जिंदगी चुनो या मौत। और हम सच कह रहे हैं, हम किसी गंगा को नहीं जानते। एक दो नहीं जानते। हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है? बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। काशी, मसूरी पुलिस हमारे पीछे ही आ रही होगी। जानते हैं, पर हमको किसी का डर नहीं। हम जो किए सही किए। बस बनारस पहुंचकर माँ बापा को सब बता दे, बाकी जो महादेव की मर्जी होगी स्वीकार है। हेलो जी, जी इंस्पेक्टर कहिए। जी जी ठीक है। कौन था? वो वाराणसी पुलिस का फोन था, लगता है उन्हें गंगा के बारे में कुछ पता चला है, मिलने बुलाए हैं। जय जय भागीरथी नंदनी मुनि, जय चकोर चंदनी नर नागनी उपबंदिनी, जय गंगे। इसका चेहरा तो पहचानने में ही। काशी, ये तो वही ड्रेस है जो मैंने गंगा को गिफ्ट की थी। पहनोगी? हाँ। ठीक से व्यवहार करना हमसे, नहीं तो देंगे नहीं, जला देंगे वहां पे। कभी कहीं थम जाए सांसों का सिलसिला, कभी नहीं टूटेगा यादों का काफिला। जिंदगी छोड़ दी तूने किस
जीना है मुश्किल, तुझे ढूंढ रहा दिल, तुझे ढूंढ रहा दिल, तुझे ढूंढ रहा दिल, तुझे ढूंढ रहा दिल। दो किनारों से हम थे, मिलके भी ना मिले, दरमियां थे दिलों के, मीलों के फासले, टूट कर रह गए हम चार दीवारों में, कुछ नहीं हासिल, तुझे ढूंढ रहा दिल, तुझे ढूंढ रहा दिल, तुझे ढूंढ रहा दिल, तुझे ढूंढ रहा दिल। काहे मारा अभिमन्यु पांडे को? अबे काहे मारा अभिमन्यु को? हमारी बहन के साथ प्यार का नाटक किया, धोखा दिया उसे, और शायद उसकी जान भी ले ली। कौन सबूत है तुम्हारे पास? अबे मौसम विभाग में काम करता है क्या बे? हैं? जो अंदाजी टक्कर में किसी को कुछ भी कर देगा? अपनी बहन के लिए हम कुछ भी कर देंगे। बहन के लिए कुछ भी कर देगा? जस करनी तस भोग विधाता। लो, जिस बहन के लिए उस बेचारे को मारा, अब वो बहन भी मर गई। कहानी खत्म। भगवान भी टिट फॉर टैट करना जानते हैं। अब जिंदगी भर सड़ेगा जेल में ससुरे हैं। दीवान जी, इसका बयान लिख लीजिएगा, और ज्यादा चू चपड़ करे ना तो मार के तशरीफ लाल कर दीजिएगा। दीजिए। जिसके लिए इतना कुछ किया, अब वही नहीं रही, और अभी पुलिस कोर्ट कचहरी का चक्कर। काहे का चक्कर? रहने दो हमें यहाँ। गंगा तो चली गई, बूढ़ा बूढ़ी अपनी जिंदगी जी चुके हैं। तुम किसी और से ब्याह कर लेना, अब हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा। मतलब है काशी, लगता है हमसे कोई भूल हुई है। भूल? कैसी भूल? एक बात सोचो काशी, जब अभिमन्यु कई दिनों से मसूरी में था, तो गंगा की लाश यहाँ बनारस में कैसे मिली? लेकिन मतलब क्या है? मतलब साफ है काशी, गंगा का कातिल कोई और है, और वो इसी शहर में मौजूद है। पर कौन? मैंने अपने बनारस ब्यूरो के क्राइम रिपोर्टर को सब कुछ पता करने को कहा है। जो भी हो मैडम जी, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, आप बस पता लगाइए। ध्यान रखो काशी, अगर तुम जेल गए तो हम गंगा को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे, इसलिए किसी भी हाल में अपना जुर्म कबूल मत करना। लेकिन हम तो बोल चुके कि हम ही मारे। मना कर देना, पुलिस के आगे दिया गया बयान कोर्ट नहीं मानती। मैडम बहुत टाइम हो गया, चलिए निकलिए। बलवंत पांडे जी, हम अपने कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटते, आप अपने कमिटमेंट पर जमे रहिए, पैसा टाइम टू टाइम मिलते रहेगा, बाकी तमाशा देखिए। काशी को फांसी होनी चाहिए, मुंह मांगी कीमत मिलेगी।
अरे हो जाएगी फांसी, पहले बनारस कोर्ट में केस तो शिफ्ट होने दीजिए। बैठिए। चलिए कार्यवाही शुरू कीजिए, प्रोसीड। योर ऑनर, है सामने खड़ा ये मुल्जिम एक खतरनाक और बहसी भट्टियारा है। भट्टियारा? हाँ भट्टियारा, भट्टियारा। मिश्रा जी, आप तो इस शहर के नामी वकील साहब हैं। थैंक यू सर। थैंक यू को छोड़िए, जो कह रहे हैं वो सुनिए, कम से कम अदालत में तो पान ना खाइए। हम भी पान खाते हैं, और किसी दिन ऐसा ना हो कि हम भी पान खा के जजमेंट सुनाएं और नतीजा कुछ का कुछ हो जाए। माफ कीजिएगा योर ऑनर, माफ कीजिएगा। हाँ, चिंता मत कीजिए पांडे जी, माफ कीजिएगा हुजूर, हम हैं आदत से मजबूर। सुधर जाइए, शुरू कीजिए। योर ऑनर, मुल्ज़िम एक खतरनाक और बहसी हत्यारा है। इसने बिना किसी वजह के दिन दहाड़े मेरे मौकिल के बेटे की हत्या कर दी, और इस हत्या में इनका साथ दिया इस मोहतरमा ने, मिस देवीना खन्ना। हुजूर, ये आरोप सरासर गलत और बेबुनियादी है। दरअसल यह मामला हत्या का है ही नहीं, अभिमन्यु की मौत केवल एक हादसे में हुई है। काशी केवल गंगा की पूछताछ करने वहां गया था, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका। अभिमन्यु का सच सबके सामने ना आ जाए, इसलिए वो उस डर से छत से कूद गया। जज साहब, सच क्या है अभी सबके सामने आ जाएगा। योर ऑनर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं मुल्जिम से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। इजाजत है। काशी जी, एक तो बात बताइए, आपकी बहन गंगा किसी के साथ भाग गई थी का? ए वकील, गुस्सा काहे हो रहे हैं? हमरा कहने का मतलब है कि आपकी बहन गंगा किसी के साथ बाहर चली गई थी। उसी को तो ढूंढने गए थे हम। और वो नहीं मिली, और आपने अभिमन्यु का कत्ल कर दिया। ऑब्जेक्शन सर, ये अपनी मनगढ़ंत बातें मेरे मौकिल पर थोप रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। सेना साहब, उन्हें अपनी बात तो खत्म करने दीजिए। शुक्रिया जज साहब। काशी, एक बात और बताओ, आप अभिमन्यु के घर गए थे? जी गए थे। आपने उनके पिता को धमकी दी थी? पूरा पश्चिम का देख रहे हो, उत्तर दो। योर ऑनर, अब मैं अभिमन्यु के पिताजी श्री बलवंत पांडे जी को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। बलवंत पांडे जी, क्या काशी आपके घर आया था? आया था। उसने क्या कहा था आपसे? इसने हमें धमकी दी थी कि अगर गंगा नहीं मिली तो ये हमें और हमारे अभिमन्यु को जान से मार देगा। सुन लिया योर ऑनर, अगर गंगा नहीं मिली तो ये इन्हें और अभिमन्यु को जान से मार देगा। और इसे गंगा नहीं मिली, और इसने अभिमन्यु का कत्ल कर दिया, उसे मार डाला, उसका खून कर दिया, उसकी हत्या कर दी। सर, बलवंत जी से मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू। जानता है बलवंत, ये तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ता, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारा बेटा मर गया। गंगा के साथ जो घिनौना कर्म किया है ना तुम्हारे बेटे ने, उसके लिए तो उसे सजाए मौत ही मिलनी चाहिए थी। औकात में रहकर बात करो वकील। मेरी औकात निकल रहा,
अगर सच का पता नहीं चला ना तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे हम। हराम खोर, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मिस्टर बलवंत, मिस्टर बलवंत, मिस्टर बलवंत, मिस्टर सिन्हा, जान से मार दूंगा। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या कहा? एक बार फिर से कहिए ना, क्या कहा? सॉरी जज साहब, मैंने जिस भाषा का प्रयोग किया कोर्ट के सामने, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं यही प्रूव करना चाहता था कि मेरे कुछ कटु शब्दों से बलवंत पांडे जैसा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति भी अपना आपा खो बैठता है और मुझे जान से मार डालने की धमकी दे देता है। तो जज साहब, अपनी बहन के खो जाने पर आक्रोशित होकर अनपढ़ काशी यदि कोई धमकी देता है तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसे सीरियसली लेना चाहिए। That's all. जज साहब, मैं कुछ गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? काशी ने खुद कबूला था जनाब कि अभिमन्यु का कत्ल उसी ने किया। ऑब्जेक्शन सर, पुलिस का डंडा सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर सकता है, लेकिन कानून की कलम सच की स्याही से चलती है। जिस सच की स्याही से कानून की कलम चलती है जज साहब, वही कानून की कलम काशी को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी। जज साहब, मैं कुछ और गवाह पेश करने की आज्ञा चाहता हूं। सर, 26 अक्टूबर को ये हमारे होटल आए थे और इनके साथ ये मैडम भी थी। कितने देर रुके थे? सर, यही कुछ एक घंटा, और उसी बीच अभिमन्यु सर का मर्डर हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड सर। साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा, ये अभिमन्यु सर के पीछे भाग रहा था और उसे मार रहा था। ये मैडम उसे लगातार रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साहब ये रुका नहीं है। तब भी ये 605 नंबर रूम वाले सर को छत से फेंक दिया। सर, मेरी ही आंखों के सामने पहले तो इसने कमरे में अभिमन्यु को बहुत मारा, फिर ये बार बार चिल्ला रहा था गंगा कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है। पर सर, अभिमन्यु सच में गंगा को नहीं जानता था, वो इनकार करता रहा। फिर ये उसे भगाते हुए छत पर ले गया और अभिमन्यु को छत से फेंक दिया। मैंने और देवीना ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं रुका। मनिंदर बाबू, एक तो बात बताइए, ये काशी जब ऊपर गया तब आप कहाँ थे? रिसेप्शन पे। रिसेप्शन पे। काशी और अभिमन्यु के बीच जब झगड़ा हो रहा था तब आप कहाँ थे? सर, रिसेप्शन पे। रिसेप्शन पे। और इनके कहने के अनुसार काशी ने जब छत से अभिमन्यु को फेंका तब आप कहाँ थे? सर, रिसेप्शन पे। रिसेप्शन पे। आप अपने आप को क्या महाभारत का संजय मानते हैं कि दिव्य दृष्टि से रिसेप्शन पे बैठे बैठे आपको सब कुछ दिखाई देता है? आप ये बताइए कि आपने काशी को छत से अभिमन्यु को फेंकते हुए देखा था? साहब, इसके तो सिर पे खून सवर था। इसके पागलपंती देख के मैं डर गया, डर के सर भाग गया, कहीं ये हमको ही ना मार दे। और ये मैडम? ये मैडम इसके पीछे भागते हुए रोकने की कोशिश कर रही थी। आपने काशी को पहली बार कब देखा? जब ये पहली बार मेरे और अभिमन्यु के कमरे में आया। अच्छा, उस वक्त आप क्या कर रही थी? मैं नहा रही थी। अच्छा, और अभिमन्यु क्या कर रहा था? वो भी नहा रहा था। आपके होटल के कमरे में क्या दो दो बाथरूम थे? जी नहीं, एक। एक ही बाथरूम में आप दोनों एक साथ नहा रहे थे? अच्छा है, पानी बचाओ योजना। योर ऑनर, ये हमारे काबिल दोस्त कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं? यहाँ कोई सरकार की योजना की सिफारिश का मुकदमा चल रहा है। मिश्रा जी, ऐसा प्रश्न करके कोर्ट को शर्मिंदा कर रहे हैं और पूरी महिला समाज का अपमान कर रहे हैं। जज बनने की कोशिश ना कीजिए, हम है ना यहाँ पर। मिस्टर सिन्हा, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। तो जाहिर है कि आपने काशी को बाथरूम से तो नहीं देखा होगा, है ना? जब आप बाथरूम से बाहर आई होंगी तब आपने काशी को देखा होगा, करेक्ट? जी। अच्छा, ये बात बताइए कि जब आप बाथरूम से बाहर आई तब आपने क्या पहना? जी, टावल। टावल। तो क्या आप सिर्फ टावल पहन के छत पे गई थी? जी नहीं। तो छत पर जब गई तब आपने क्या पहना था? कुर्ता। सिर्फ कुर्ता? नीचे क्या पहना था? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं योर ऑनर, हमारे काबिल दोस्त? अरे भाई सिन्हा साहब, ये कैसा सवाल है? हैं सर,
इसका इस केस के साथ संबंध है। प्लीज सर, प्लीज गिव मी 2 मिनट सर, प्लीज। चलिए पूछिए, क्या पहना था? कुर्ते के नीचे आपने क्या पहना था? चूड़ीदार पायजामा पहना था। चूड़ीदार पायजामा, यानी आप बाथरूम से बाहर आई टावल में, टावल उतारा, उसके बाद कुर्ता पहना, फिर पायजामा पहना, इतनी देर तक जज साहब, इतनी देर तक काशी आपका छत पर इंतजार करता रहा कि आप वहां आए और अभिमन्यु को धकेलते हुए उसे देखें और फिर नागेंद्र जी की गवाह बनकर यहां आए और गवाही दें ताकि काशी को मुजरिम साबित कर सके। साइलेंस, साइलेंस इन द कोर्ट। ऑर्डर, ऑर्डर। सर, मेरे मित्र बेसर पैर के गवाह लाकर कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि काशी पर लगाए गए सारे के सारे इल्जाम बेबुनियाद और झूठे हैं। मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं होटल हाईलैंड का सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहता हूं आपको। चलिए देखते हैं। सीसीटीवी फुटेज से तो साबित हो गया कि काशी अभिमन्यु को दौड़ाता हुआ, मारता हुआ छत पर ले गया और उसे छत से फेंक कर उसकी हत्या कर दी। सर, यह सच है कि इस फुटेज में काशी और देवीना दिख रहे हैं, यह सच है, लेकिन यह मामला हत्या का है। यह मामला काशी और देवीना के मुंह दिखाई की रस्म की फुटेज का नहीं है। साइलेंस प्लीज। और सर, इस फुटेज में कहीं पर भी ये दिखाई नहीं दे रहा है कि काशी ने छत से अभिमन्यु को धकेल के फेंक दिया है। देखिए, कोर्ट को खुल के बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। सर, उस समय छत पर देवीना, प्रिया और काशी, ये तीनों मौजूद थे, तो मेरे ये मित्र दावे के साथ ये कैसे कह सकते हैं कि अभिमन्यु की हत्या काशी ने की है? और दूसरी बात जैसा, इस सीसीटीवी फुटेज में ये जरूर दिखा कि काशी अभिमन्यु का पीछा कर रहा है, लेकिन इस फुटेज में यह कहीं पर नहीं दिखा कि काशी छत से अभिमन्यु को धकेल रहा है, उसका मर्डर कर रहा है। केवल शक के बिना पर सब लोग काशी को कातिल घोषित कर रहे हैं। सर, यह बात सच है कि अभिमन्यु की मौत हुई है, लेकिन बाकी सब झूठ है। कोर्ट की आगे की कार्रवाई 2 दिन बाद की जाएगी। अब के लिए द कोर्ट इज अडजर्न। आप 5 से बातें रही मिश्रा जी, और उधर वो सिन्हा केस जीत जाएगा। केस लेने से पहले तो बड़े तुर्रम खा बन रहे थे, लेकिन आज तुम्हारे सारे गवाह पंक्चर निकले। ऐसे कैसे जीतेंगे केस? इत्मीनान रखिए बलवंत पांडे जी, अभी तो खेल शुरू हुआ है। आप काहे घबरा रहे हैं? अरे, कोर्ट क्राफ्ट नाम की कौनो चीज होती है? खून का बदला खून। मुझे काशी को फंदे पर लटकते देख रहे हैं। बलवंत पांडे जी, पैसा में बहुत ताकत होता है। जितना पैसा लुटाना चाहो लुटाओ, जितना पैसा बहाना है बहाओ, खरीद लो सबको, पैसे की ताकत दिखाओ। शुरू कीजिए। योर ऑनर,
पिछले 2 दिनों से मैं काशी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूं, और जो फैक्ट्स हमने इस मुल्क किए हैं उसे सुनकर यह अदालत दंग रह जाएगी। जज साहब, दरअसल काशी के टोले मोहल्ले के लोग, इसके अड़ोसी पड़ोसी सबसे पता चला कि जिस गंगा के कारण ये दर दर भटक रहा है, जिस गंगा की वजह से इसने अभिमन्यु का खून किया, दरअसल वो गंगा है ही नहीं। ऑर्डर ऑर्डर, शांति शांति। क्या बोल रहे हैं मिश्रा जी? योर ऑनर, दरअसल काशी के साथ कोई लड़की रहती ही नहीं थी, काशी की गंगा नाम की कोई बहन थी ही नहीं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे होशियार वकील दोस्त इस केस को किसी और दिशा में भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस बात को साबित करने के लिए अपने गवाह पेश करना चाहता हूं। सर पागल है ससुरा? अरे हवा बतियाता रहता है, एक बार हमको दड़ा दड़ा मारने लगा कि हमने इसकी बहन को क्यों छेड़ा। अरे भैया, जब इसकी कोई बहन है ही नहीं तो छेड़ेंगे का हवा को? कुल मिला के समझ लीजिए हुजूर, ये जो कसिया है ना, पगला गया है, दिन भर बड़बड़ाता रहता है, ऐसा लगता है जिसे किसी से बात कर रहा है, लेकिन इसके ना आजू बाजू कोई होता नहीं है। अरे वकील साहब, ये पगला गया है, हमको तो लगता है ये भूत उसके चक्कर में पड़ गया है। देखिए, इसके चक्कर में ये बाबा गुरु घंटाल का ताबीज पहन के हम घूमते हैं। गंगा चौधरी ने कभी हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया ही नहीं, पर अभिमन्यु हमारे कॉलेज का होनहार स्टूडेंट जरूर था। सर ये सारे गवाह बिक चुके हैं, ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, मैं भी कुछ गवाह पेश करना चाहता हूँ। हाँ इजाजत है। जज साहब, बकवास कर रहे हैं सबके सब। अरे हम खुद ही गंगा से राखी बनवाए हैं हर साल, और ये वकील साहब पट्टी पढ़ाए हैं सबको। अरे ये सब तो 5 रुपए गांजा पे झूठ बोल देते हैं सब। जज साहब, हम सबकी लाडली थी गंगा, ये सबका सब झूठा है, और ये दोनों चुट्टा सब मुना और बबीनवा एक नंबर का झूठा है साहब। साहब, कई बार हम खुद गंगा को कॉलेज छोड़कर आए थे, और इस साला सब पैसा खातिर अपना औकात दिखा रहा है। छे सर, गंगा हमारी साथी क्लास में पढ़ती थी, उसका अफेयर था अभिमन्यु के साथ, और वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, इसी बात से वो बेहद परेशान थी। बस जिस दिन उसने हमें ये बात बताई, उसके बाद से हमसे वो नहीं मिली है। समय मिली हूँ गंगा से, इसलिए इस बात को कोई नहीं कह सकता कि गंगा एग्जिस्ट ही नहीं करती। और सोचने वाली बात ये है कि अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो गंगा की जो बॉडी पुलिस को मिली थी वो किसकी थी? साइलेंस साइलेंस। इसलिए सर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभिमन्यु के मर्डर केस को किसी और दिशा में भटकने ना दिया जाए। योर ऑनर, अदालत कहीं नहीं भटक रही, बल्कि एक सनकी क्रिमिनल की सच्चाई अदालत के सामने आ रही है। पर मिश्रा जी, जब गंगा एग्जिस्ट ही नहीं करती तो बॉडी किसकी थी? बिल्कुल सही तो कह रही है मैडम। जज साहब, इसी बात को जानने के लिए हम इंस्पेक्टर घनश्याम को कटघरे में बुलाना चाहेंगे। इंस्पेक्टर घनश्याम, आपको कैसे पता चला कि ये डेड बॉडी गंगा की है? काशी और देवीना ने इसको पहचाना था। कैसे? दरअसल उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, पर उसके ऊपर जो कपड़े थे उसी से इन दोनों ने पहचाना। जज साहब, इस बात पर गौर कीजिए, आप जा सकते हैं। जी योर ऑनर, अब मैं देवीना जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। इजाजत है। देवीना जी, आपने गंगा के डेड बॉडी को कैसे पहचाना? जो ड्रेस गंगा ने पहना था वो मैंने उसे गिफ्ट किया था। ओ, जो ड्रेस गंगा ने पहना था उसे आपने गिफ्ट किया था? जज साहब, मेरे पास भी एक गिफ्ट है। एक मिनट, मेरे पास भी एक गिफ्ट है। ये क्या ये वही ड्रेस है जो आपने गंगा को गिफ्ट किया था? जी। योर ऑनर, इस तरह के ड्रेस वी मार्ट में 550 रुपए में मिलते हैं, और सिर्फ बनारस में ही इसके 200 पीस बिक चुके हैं। देवीना जी, आप दावे के साथ कैसे कह सकती हैं
कि डेड बॉडी ने जो कपड़े पहने थे वो आपके गिफ्ट किए हुए कपड़े थे। तुक्का जनाब, तुक्का, देवीना जी का तुक्का। लेकिन कानून तुक्कों से नहीं चलता जनाब, कानून सबूतों से चलता है। लेकिन मुझे यकीन है कि वो लाश गंगा की ही थी। कपड़े तो एक जैसे कई बन सकते हैं, लेकिन इंसान की शरीर की बनावट तो एक नहीं हो सकती। समय गंगा से कई बार मिल चुकी हूँ और उसे पहचानने में मैं कभी धोखा नहीं खा सकती। जज साहब, अब मैं चाहूंगा कि गंगा खुद इस कोर्ट में आए और खुद दूध का दूध और पानी का पानी करे। क्या क्या? साइलेंस, साइलेंस इन द कोर्ट। क्या हो गया? क्या क्या बोल रहे हैं आप मिश्रा जी? मैं ठीक बोल रहा हूं जज साहब। मेरे तीन गिनने पर गंगा उस दरवाजे से इस अदालत में दाखिल होगी। अरे ये क्या है? एक, दो, तीन। आपका जादू फेल हो गया मिश्रा जी, कहाँ गई गंगा है? योर ऑनर, मैं यही तो चाहता था कि मेरा जादू फेल हो जाए। आपने देखा नहीं कि आप, काशी, देवीना और ये अदालत में मौजूद सारे लोग उस दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि गंगा अभी आएगी। अरे तो आपने कहा था उधर से आएगी। मैंने कहा था हाँ। लेकिन गंगा आई नहीं हाँ। क्योंकि यहाँ हम सबको यकीन नहीं है कि वो जो डेड बॉडी थी वो गंगा की थी। तभी हम सब उस दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि गंगा वहां से आ जाए, यहां तक कि काशी और देवीना भी। योर ऑनर, समझने की बात यह है कि जब गंगा है ही नहीं, गंगा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो गंगा की बॉडी कहां से आएगी? बहुत हो गया, अब इस पागलपन से मुक्ति दिलवाइए और फटाफट सजा सुनाइए काशी को और केस को खत्म कीजिए। आप हमें ना सिखाइए। अब तक की कार्रवाई से कोर्ट किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए अगली तारीख पे काशी के माता पिता को कोर्ट में पेश किया जाए ताकि सच्चाई की तह तक पहुंचा जा सके। तब तक के लिए द कोर्ट इज एडजर्न। काशी, वो तुम्हारे दिमाग से खेल रहे हैं, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहते हैं। वो चाहे जो करे, लेकिन हमें बस गंगा के कातिल का पता करके बताइए और तभी हथकड़ी, जेल की चार दीवारी और ये कोर्ट हमें रोक नहीं पाएंगे। जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन काशी तुम्हें अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। सिन्हा साहब, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आदेश दिया था कि काशी के माता पिता को कोर्ट में बुलाया जाए, आए वो? सर वो आते ही होंगे। कितना लेट? ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। ये क्या हो रहा है हमारी कोर्ट में, कोई हमें बताएगा? हाँ। जज साहब, हम काशी के घर से आ रहे हैं, घर पे न चाचा है न चाची, वो मिल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए। सर आई फियर, ये काशी के माँ बाप को गायब करवाने की साजिश रची गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि साजिश के रचयिता बलवंत पांडे, और इसलिए मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि बलवंत पांडे को अरेस्ट किया जाए। मिश्रा जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, घर पे काशी के माँ बाप नहीं है, पता नहीं कहीं चले गए हैं। योर ऑनर, ये बात थोड़ी आपत्तिजनक है। साहेब, अगर हमारे माँ बाप को कुछ हुआ ना तो महादेव की कसम ऐसा तांडव मचाएंगे, पूरे काशी को मशान बना देंगे। काशी, 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 हम है ना सही और गलत का फैसला करने के लिए। योर ऑनर, अब मैं इस केस के सबसे अहम गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूं।
हाँ इजाजत है। चुम्बन चाचा आइए। आपका नाम? हमारा नाम चुम्बन है साहब। हम और काशी के पिता बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे। हुआ करते थे, इसका क्या मतलब हुआ चुम्बन जी? थे का मतलब है साहब कि काशी के पिता को गुजरे एक जमाना हो गया। अरे काहे झूठ बोलते हो चाचा? काशी काशी शांति रखो। साइलेंस साइलेंस इन द कोर्ट। हाँ बोलिए। वो दरअसल शहर में प्लेग फैला था जिसमें काशी के पूरे परिवार की मौत हो गई थी। बहुत देर कर दी, इनमें से कोई भी नहीं बचा। काशी के परिवार के मरने के बाद भी काशी को वो लोग दिखते थे, इस बारे में हमने कभी काशी को कुछ नहीं बताया साहब। झूठ बोलते हैं जज साहब, साले तुम भी बिक गए। सर सारे गवाह हॉस्टाइल किए गए हैं। इसका फैसला कोर्ट करेगी मिस्टर सिन्हा, आप बैठ जाइए। गवाहों के मद्देनजर कोर्ट ये आदेश देती है कि अगली सुनवाई से पहले काशी की दिमागी हालत की जांच कराई जाए। And for now, the court is adjourned. आप आए हमें पागल साबित करने? नहीं, मैं तो ये साबित करने आया हूं कि तुम बिल्कुल ठीक हो। किसी की बातों पे भरोसा नहीं होता साहब। लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना होगा, क्योंकि तुम जानते हो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे बचने का। हम पागल नहीं है साहब, गरीब है, और ये लोग हर गवाह को खरीद के हमें पागल साबित करना चाहते हैं। जानता हूं, और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। बस मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो, सारा सच सामने आ जाएगा। आप भी उन्हीं के आदमी निकलेंगे? मैं बिकाऊ नहीं हूं काशी, इट्स माय जॉब। तो शुरू करें? जी सर। तो बताइए डॉक्टर साहब, क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? जज साहब, मैंने काशी से अकेले में बात की उसे कॉन्फिडेंस में लेकर, लेकिन जो नतीजे मेरे सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इससे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ इजाजत है। थैंक यू सर। अच्छा काशी, मुझे एक बात बताओ, घर में तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता है? हम खुद ही बनाते अपना खाना। क्यों? बुढ़िया के हाथ का खाना हमें जमता नहीं है, मिर्चाई झोंक देती है। तो तुम्हारी बहन है, खाना वो भी बना सकती है। कॉलेज और ट्यूशन से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। तो तुम्हारे बाबा क्या करते हैं? दिन भर हमको गरियाते रहते हैं। क्यों? क्या तुम्हारे बाबा अब शमशान घाट में काम नहीं करते? बुढ़ापे में बाबा से काम करवाएंगे का? गरीब है, नालायक नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बहन से तुम्हारा रिश्ता कैसा है? जानती हूं हमारी, लेकिन लेकिन हम उसे संभालो अपने आप को। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बहन तुम्हें राखी तो बांधती होगी? पहले बांधती थी, बाद में हम खुद ही बनवाना छोड़ दिए। क्यों? एक साल उससे राखी पे बड़ा झगड़ा हो गया, मां कसम खाई कि राखी नहीं बनवाई, और फिर हम कसम नहीं तोड़ पाए। अच्छा अच्छा, तुम जब घर आते हो तुम्हारे लिए दरवाजा कौन खोलता है? खुला ही रहता है दरवाजा, डोम के घर से कौन खा ले जाएगा मालिक। जब भी घर आते हो कभी भी, तो तुम्हें पानी कौन ला कर देता है? तुम्हारी बहन गंगा या फिर तुम्हारी माँ?
घर की महिलाओं के हाथ से पानी नहीं पीते हम। ये पॉइंट नोट किया जाए और ऑनर, काशी की जिंदगी में ये जो भी लोग हैं, जैसे इसके माता पिता, इसकी बहन गंगा, दरअसल ये लोग है ही नहीं। अरे चुप रहो भाई, उनकी सुनने तो दो। है ही नहीं मतलब? सर मैंने काशी से अब तक जितने भी सवाल किए उससे इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि काशी जिन लोगों को भी देखता है वो लोग इसकी जिंदगी में कोई एक्टिव काम करते ही नहीं, जैसे कि खाना ये खुद बनाता है, पानी ये खुद पीता है, जब भी ये घर आता है दरवाजा इसके लिए कोई नहीं खोलता, लेकिन जो भी पैसिव काम होते हैं उसमें ये सारे किरदार इन्वॉल्व होते हैं, जैसे झगड़ा करना, बहस करना। काशी ने अपने इर्द गिर्द एक काल्पनिक दुनिया बना रखी है, काल्पनिक किरदार जिसके साथ ये बड़ा हुआ और अब शायद बूढ़ा भी हो जाएगा। दरअसल जस साहब ये काशी के हेलुसिनेशन है। साले तुम भी बिक गए ना बलवंत के हाथों, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। काशी, ऑब्जेक्शन मैन, ये गलत गवाही दे रहे हैं। मुझे तो लगता है ये मनोचिकित्सक नहीं है, खुद एक मानसिक रोगी है। ऑब्जेक्शन ओवरूल्ड। बैठ जाइए आप बैठ जाइए मिस्टर बलवंत, आप भी बैठ जाइए। हाँ बोलिए, प्लीज कंटिन्यू योर ऑनर। ये सीरियस केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसे पैरानोइड साइकोसिस कहते हैं। इस डिजीज के एक्सट्रीम में इंसान इतना वायलेंट हो जाता है कि अगर उसकी काल्पनिक दुनिया में कोई भी हस्तक्षेप हो तो वो किसी को कुछ भी कर सकता है, और शायद इसीलिए इसने अभिमन्यु की भी जान ली। योर ऑनर, अदालत को और कितने गवाह चाहिए? हो तो गया, अब फैसला सुना दीजिए योर ऑनर। एक साइको किलर है और इसकी सजा फांसी। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ है कि काशी ने ही अभिमन्यु का मर्डर किया है। ऑब्जेक्शन ओवरूल्ड। कितने पैसे दिए बलवंत? हाँ, मैं बिकाऊ नहीं हूं, इट्स माय जॉब। काशी, तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? हाँ, हम नहीं मारा अभिमन्यु को, छत से फेंक दिया साले को, क्योंकि उसने हमारी बहन के साथ गलत किया था। लेकिन हमसे चूक हो गई जज साहब, हमको लगा कि हमारी बहन का गुनहगार अभिमन्यु है, लेकिन हमारी बहन को तो बलवंत ने मारा है। काशी भैया, गंगा आई थी उस दिन बलवंत साहब से मिलने, उन्होंने ही बुलाया था, हम तो बाहर ही खड़े थे। अंदर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी, फिर हमने देखा कि बलवंत साहब ने उसे बालकोनी से धक्का दे दिया, फिर लाश ठिकाने लगा दिया। हमें तो लगा कि उसकी इज्जत भी लूट ली थी। बड़ा कमीना आदमी है बलवंत। काशी भैया, ये बात किसी को बताइएगा नहीं कि हमने आपको ये बात बताई है, नहीं तो बलवंत हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। साला, पहले मेरे बेटे को मारा, अब मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम नहीं, सच बता रहे। और जब तक तुमको मारेंगे नहीं ना, तब तक हम चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। ऑर्डर, ऑर्डर। तू हमको मारेगा साला पागल, तेरी इतनी जुर्रत, अच्छा हुआ कि तेरी बहन नहीं है, अगर होती तो उसे ऐसी मौत देता कि दुनिया देखती तमाशा। ए बलवंत, अरे पुलिस रोको इसे, अरे काशी, अरे रोको इसको, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। बम बम भोले, भोले काशी। अरे क्या हुआ? अरे आता हूँ, आता हूँ। नाश्ता तो करते जाओ। तो किधर जा रहे हैं? अरे भैया, काहे परेशान हुआ, परमिशन हो हमारे पास। ठीक है। हो गया काम, चलिए। तो
काशी, ए काशी, क्या बात है गुरु, तेरे नाम पिक्चर के राधे लग रहे हो, डिट्टो। अच्छे भले आदमी को पगला बना दिया। वो क्या बोला था अंग्रेजी में, साइको किलर? अबे तुमको तो खुश होना चाहिए, बड़का बड़का फिल्म के हीरो लोगों को ये उपाधि नहीं मिलता है। माँ बाबा का कोई खबर? माँ बाबा मंदिर मंदिर घूम रहे थे तुम्हारे लिए, वापस आ गए हैं। एक ठो बात पूछे ना? कहेंगे तो का नहीं पूछोगे? एक बात बताओ। हाँ? माँ गंगा बाबा से सच्ची मिले हो ना तुम? सच्ची मिले हैं यार, कैसी बात कर रहे हो? ना जाने जरा डाउट सा हो रहा है। ए खासी, पगलवन के चक्कर में सही तो नहीं ना पगला गए हो? बताओ माँ कैसी दिखती है? माँ इका सवाल पूछ रहे हो यार? बताओ ना कैसी दिखती है माँ? माँ माँ बूढ़ी है। हाँ। वो आगे के बाल पक गए हैं। हाँ। और गोरी गोरी है। ठीक है। हाँ। लेकिन उसके आगे के दू दांत नहीं, वो तो देखे हो ना? अरे भाई उम्र के साथ दांत साथ छोड़ देते हैं। देखे हो कि नहीं? बिल्कुल देखे हैं यार। माँ के दांत है रंगीला। अरे भाई तुम अपने जिस बहन गंगा को इतने दिन से ढूंढ रहे हो वो तो ये रही, लो ये देखो, और इसके चक्कर में तुमने मेरा क्या हाल कर दिया यार। अरे जरूर है आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ये गंगा नहीं ये देवीना है। अरे नहीं भाई मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये तुम्हारी बहन गंगा ही है, यही तो मेरे पास आई थी अपने और अभिमन्यु के शादी की अर्जी देने, और उसने अपना नाम गंगा बताया था। इतना खुश मैं कभी नहीं था। सच में जिंदगी में पहली बार हारने पर जश्न मना रहा हूँ मैं। तो सर अगर हार के भी जीतने का एहसास है तो फिर पार्टी तो बनती है ना। देवीना दीदी क्या सोच रही हो, आओ ना लेट्स सेलिब्रेट अ विक्ट्री। ये लो। Cheers to our victory. Cheers. जीत कर भी हारा हुआ महसूस हो रहा है। पर क्यों दीदी? काशी, I don't know, I'm feeling bad for him. देखो देवीना, हमेशा युद्ध में मरने के लिए प्यादे को ही भेजा जाता है। काशी प्यादा नहीं था। तो? दीदी, are you in love with him? देवीना, ये इमोशनल होकर प्यार व्यार में मत पड़ो। माँ मुश्किल से तुम इस केस से बची हो, तुम्हारी जरा से भी लापरवाही हम सबको लेकर डूबेगी। इतनी नजदीकी मुझे किसी और से नहीं हुई है, कब काशी से अटैचमेंट हो गया मुझे मुझे पता ही नहीं चला। दीदी पर आप क्या करोगी, काशी तो जिंदगी भर के लिए जेल में बंद है ना। मैं निकलवाऊंगी उसे, उसका ट्रीटमेंट वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से करवाऊंगी। दीदी बहुत देर हो चुकी है, अब आप कुछ नहीं कर सकती। कभी सोचा है काशी को सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? मैं खुद उसे बताऊंगी, वो मुझे माफ कर देगा। काशी तुमसे कोई मिलने आया है।
कैसे हो काशी? हम कैसे? वैसी पगलेट। तुम जानती थी ना, I'm sorry, काशी। मैंने तुम्हें बचाने की हर कोशिश की। प्यार करते थे तुमसे, ये सिला दिया। अच्छा खासा जी रहे थे हम, जिंदगी तबाह कर दी हमारी। काहे? काहे? मैं बनारस एक मकसद से आई थी और मुझे तुम दिखे। इंटरव्यू हमारे बारे में काहे? क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जो मुझे बनारस से रूबरू करा सकते हो। ये हमारे बाबूजी हैं। नहीं, आज काम ढेर आ गया था। मैं उसी दिन समझ गई थी कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मैंने डिसाइड किया कि तुम मेरे मिशन के लिए सही आदमी हो और एक मनोचिकित्सक की तरह मैंने तुम्हारे दिमाग पर काबू किया। मैंने देखा कि तुम गंगा से बेहद प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो गंगा से। जान बसती है गंगा में हमारी। मैंने तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल किया और तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज तुमसे छीन ली। श्रुति, जिसे मैंने गंगा की सहेली कह के तुमसे मिलवाया था, वो दरअसल मेरी बहन है। पर दीदी, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें बस गंगा की दोस्त बनकर एक कहानी सुनानी होगी जो मैं तुम्हें बोलूं, और उसने तुम्हें गंगा और अभिमन्यु की एक नकली प्रेम कहानी सुनाई जिसे तुम मान गए। मैं जानबूझकर लखनऊ गई और तुम्हें कोर्ट भेजा। जी मैडम। जी, एक शादी की अर्जी देनी थी। लड़के का नाम क्या है? अभिमन्यु पांडे। और आपका? गंगा चौधरी। गंगा चौधरी। तुम्हारे यकीन को और पक्का करने के लिए बलवंत के घर के बाहर हम दोनों के ऊपर गोलियां चलवाई और मैं रंगीला से भी मिलने गई थी। देखो रंगीला, काशी की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। उसे ऐसा लगने लगा है कि गंगा गायब हो गई है। हा? हमें उसे संभालना होगा, नहीं तो इस बीमारी में अक्सर ऐसा होता है कि इंसान जानलेवा हो जाता है। इसलिए शायद काशी ने बबीना और उसके दोस्तों को बहुत मारा। अरे बाप रे, तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना होगा मैडम जी? जैसा मैं कह रही हूँ तुम और तुम्हारे दोस्त वैसा ही करो, नहीं तो काशी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। मैं हर पल डॉक्टर से सलाह कर रही हूँ। मैडम जी, आप जैसा कहिएगा हम लोग करेंगे। और वो जो गंगा की लाश मिली थी, वो दरअसल ये क्या है? मुझे एक लावारिस लाश चाहिए, लड़की की। लावारिस लाश का है? तुम्हें उस लाश को वही कपड़े पहनाने हैं जो मैं तुम्हें दूंगी, और उसे किसी गुमनाम जगह पर छोड़ देना है। मैडम, काम बड़ा है, पैसा भी ज्यादा लगेगा। ये 10,000 है, बाकी के काम होने के बाद। और हाँ, मैं कपड़े भिजवा दूंगी। मैं जो कपड़े गंगा के लिए लाई थी वो मैंने बबीना को दे दिए। चुम्मन चाचा, बबीना और उसके दोस्त सब सच कह रहे थे काशी। एक भोले भाले इंसान को कातिल बना दिया तुमने, आखिर क्यों? बदला, मुझे बलवंत से बदला लेना था। कैसा बदला?
बलवंत मेरे पिता का बिजनेस पार्टनर था। मैं कुछ 8 साल की रही होंगी। सारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसने मेरे पिता और मेरे भाई को भी मार दिया। और मां वहां से भाग निकली। 15 साल बाद मैंने अपने भाई और पापा की मौत का बदला लिया। मतलब वो जो गार्ड बोला था वो भी झूठ था? हां काशी, जैसा मैंने कहा वॉचमैन ने तुम्हें वही बताया। इत्तेफाक देखो, बलवंत और अभिमन्यु की मौत वैसे ही हुई जैसे मेरे भाई और पापा की हुई थी। कोर्ट में जब बलवंत से तुम्हारी बहस हो रही थी तब मैंने अच्छा किया तुमने। काशी, हमने साला तुमसे मोहब्बत किया और तुमने हमारे भरोसा का ही खून कर दिया। मोहब्बत से दुनिया का भरोसा उठ जाएगा मैडम। नहीं काशी, मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे तब भी मोहब्बत करती थी और अब भी करती हूं। एक और झूठ? नहीं चाहिए ऐसा प्यार। अब किसे मरवाना चाहती हो? काशी, मैं झूठ नहीं बोल रही काशी, प्लीज। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे ये घड़ियाली आंसू हमको पिघला देंगे। बंद करो ये नाटक। झूठ नहीं बोल रही। ना 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 ना, रोमन रोमन, ना 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 ना, रोमन रोमन, जिंदगी भर लाश जलाते रहे, लोग रोते थे, हमें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हारे रोने से हमें फर्क पड़ता है। जानती हो क्यों? क्योंकि हम तुम्हें प्यार करते हैं। हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। और हम जानते हैं कि तुम भी हमें प्यार करती हो। जिंदगी हम दोनों के साथ ऐसा खेल खेलेगी हम सोचे नहीं थे। बाबा गंगा, सब छीन लिया तुमने। सॉरी, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे साथ रहना चाहते। महादेव की कसम, तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं। लेकिन महादेव को यह मंजूर नहीं। नहीं, नहीं, और महादेव का लिखा कोई टाल नहीं सकता। नहीं, नहीं कष्ट, महादेव का लिखा गया कोई टाल नहीं सकता। पता नहीं ये क्या करता रहता है, जब देखो चम्मच घिसता रहता है।
माँ से पूछना खाने में कितनी देर है। और सुनो, गंगा को वादा किया है कल ले जाना होगा उसे। और सुनो, बाबा को कहना हमें परेशान ना करे, हम बहुत थके हुए हैं, सिर फटा जा रहा है मेरा, थोड़ा दवा दोगी? थोड़ा इस तरह। हाँ तो कल बाजार जा रहे हैं ना गंगा के साथ, तो उस वक्त वो भी ले लेंगे। जितना चाहिए उतना ले लेना, ठीक है? एक चुटकी रोजाना तुम हंसी दे जाना, मुट्ठी भर कुछ सांसें पास में रख जाना, बिन शर्त जो बांधे हमको वो रिश्ता तुम ले आना, वो रिश्ता तुम ले आना, वो रिश्ता तुम ले आना, वो रिश्ता तुम ले आना। जिस दिन तुम कुछ खा भेजो नींद मेरी चिढ़ जाती है, जब भी तुम सांसें भेजते हो उम्र मेरी बढ़ जाती है, तुम तक जो पहुंचा दे मुझको।